चलो, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? यस तो ये देखिए, जो कल का सर। असाइनमेंट था, ठीक है, आपको एग्जांपल्स देने थे इंटरसेक्टिंग लाइंस के, कोइंसिडेंट लाइंस के एंड पैरेलल लाइंस के। आपका पूरा ये असाइनमेंट था, ठीक है। तो कल जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं पहले, तो ठीक है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी क्या होती हैं बताइए, जनरल इक्वेशंस, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की क्या होती है, जनरल इक्वेशन क्या होती है बच्चों? a1 ठीक है, प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो। और दूसरी लीनियर पेयर को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? ए टू एक्स प्लस बी टू वाई सी टू इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अच्छा, अगर ए वन मान लीजिए, ए वन अपॉन ए टू, ठीक है, इसका रेशियो जो है बी वन अपॉन बी टू के इक्वल नहीं होता, तो ये क्या होता है? इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। कंसिस्टेंट होता है कि इनकंसिस्टेंट होता है फिर ये? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होता है। सॉल्यूशंस कितने होते हैं? वन सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन। अच्छा, अगर ए वन अपॉन ए टू जो है वो बी वन अपॉन बी टू के इक्वल हो जाए और सी वन अपॉन सी टू के इक्वल हो जाए, तब को इंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? ओवरलैपिंग लाइंस, ठीक है, एक के ऊपर एक लाइंस होती हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग लाइंस बनती हैं, ठीक है। अच्छा, ये कंसिस्टेंट होता है कि इनकंसिस्टेंट होता है? भाई कौन लड़ाई कर रहा है माइक से? को हम कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाता है ना, कंसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। कितने सॉल्यूशंस होते हैं इसमें? इन्फिनिट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, इन्फिनिट सॉल्यूशंस होते हैं। अच्छा, अगर ये ए वन अपॉन ए टू जो है बी वन अपॉन बी टू के इक्वल है बट सी वन अपॉन सी टू के इक्वल नहीं है, तो पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस और ये कंसिस्टेंट होती हैं कि इनकंसिस्टेंट होती हैं? इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट होती हैं। इसको लिख लिख के याद करना, आप जो है गलती यही करोगे, ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में ही गलती करोगे पेपर में, तो इस पे ध्यान देना। और कितने सॉल्यूशंस होते हैं? नो सॉल्यूशन। देखिए, जब इनकंसिस्टेंट आपने लिख ही दिए ना, तो इनकंसिस्टेंट का मतलब यही होता है, ठीक है, सॉल्यूशन ही नहीं आएगा इसका कोई, ठीक है। तो ये देखिए बेसिक, बस यही एक कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर का, ठीक है, इसी पे बस आपको ये सवाल दिखेंगे। तो ये जैसे आपके सामने एक दिया हुआ था, ठीक है, आपको मैंने बोला था कि खुद करने हैं, ठीक है, एक देख लेते हैं फिर से रिवाइज करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, ये ए वन है, ये बी वन है, ये सी वन है, ये ए टू है, ये बी टू है, ये सी टू है। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, या तो देखिए दोनों जो इक्वेशंस हैं उनमें जो कांस्टेंट टर्म है ये राइट हैंड साइड में होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में होती तो यहाँ पे भी जो ये इक्वेशन है यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए,
कांस्टेंट जो है दोनों इक्वेशंस में एक ही साइड होनी चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये वाला भी कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, अगर ये राइट हैंड साइड में है तो ये वाला भी राइट हैंड साइड में होना चाहिए। आपको जो बेसिक ट्रिक देखिए वहाँ पे कैसे आपको ट्रिक करेंगे पेपर में, जैसे ये वाला सवाल है ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 और यहाँ पे लिख देंगे माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल्स टू 0। इसको भी भूल जाओ ठीक है, इसको भी भूल जाओ, ऐसे आपको सवाल दे देंगे। तो आप ये बताओ यहाँ पे a1 क्या है? यहाँ पे 5 है। b1 क्या है? माइनस 3। c1 अब देखो यहाँ पे ये आएगा, c1 किसको लोगे आप? अब देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट c1 है, देखिए ये c1 है, देखो इसको नोटिस करो, यहाँ पे जो कांस्टेंट c1 है ये कहाँ है, इक्वेशन के राइट हैंड साइड है कि लेफ्ट हैंड साइड में है? कहाँ है, राइट हैंड साइड है कि लेफ्ट हैंड साइड? राइट हैंड साइड में। यहाँ पे देखो जो c2 है ये ठीक है, c2 है, कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड है कि राइट हैंड साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो जब आप इसको करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को एक ही तरफ रखो, अगर ये राइट हैंड साइड है तो इसको भी राइट हैंड साइड आपको रखना पड़ेगा ठीक है। तो दोनों हमेशा एक ही साइड में होंगे, ऐसा नहीं कि अगर आप ये राइट हैंड साइड ले रहे हो ये लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हो तो ये गड़बड़ हो जाएगी फिर सवाल में ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फिर इसको देखिए यहाँ से मिटा देते हैं हाँ ठीक है। अब बताओ c1 क्या होगा? -11। इसको देखो 11 रखो या मैं 11 रखो, मगर एक ही साइड रखो जो भी करो। a2 क्या आएगा बताओ? -10। माइनस का साइन है उसके आगे, ध्यान से देखो। b2 -22 ठीक है। a1 अपॉन a2 देखिए क्या आया है, 5 अपॉन माइनस 10 दैट विल बी -1/2। b1 अपॉन b2 क्या आया देखिए, -3/6 दैट विल आल्सो बी -1/2। एंड यहाँ पे देखिए c1 अपॉन c2 क्या आएगा, 11 अपॉन -22 दैट विल बी -1/2 ठीक है। तो देख लीजिए अगर आप ये लास्ट टर्म अगर कॉन्स्टेंट टर्म में साइन की गड़बड़ अगर कर देते तो क्या होता। अभी ये क्या आया देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है, a1 अपॉन a2 जो है इसका रेशियो b1 अपॉन b2 के इक्वल आया और ये c1 अपॉन c2 के। तो क्या इक्वेशन आई है, क्या आई है, कौन सी लाइन्स आई है, ये कोइंसिडेंट लाइन्स ठीक है, इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं इसके। अगर देखिए आप अगर यहाँ पे इसको प्लस 11 रखते और यहाँ पे प्लस 22 हो जाता तो इसका आंसर आता देखिए +1/2। अब ये जो है अनइक्वल आता तो ये फिर किसकी इक्वेशन बन जाती अगर ऐसे आता तो? पैरेलल लाइंस की हो जाती, तो वो हम नहीं चाहते ठीक है। ऐसे गड़बड़ कर सकते हो आप पेपर में, इस चीज पे आप ध्यान देना ठीक है। माइनस का साइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गड़बड़ कर सकता है ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 साक्षी, साक्षी तो नहीं है इस साल, कौन बताना चाहेगा भाई क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था क्या? नो सर, नहीं किया था ना। चलिए बताइए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। बताइए क्या कह रहा है बच्चों? सर हमें बताना है कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन के पेयर में कौन सी कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। अच्छा तो ये बोल रहा है ना, तो देखो कहाँ गया भाई, आजा। तो ये दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है, जल्दी से आप मेरे को बताओ यहाँ पे a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a1 B1, C1 क्या क्या है? A1 क्या है? 1, B1 क्या है? Y, C1 है 5. A2, B2, C2. A2 क्या है? B2 क्या है? C2 क्या है? 2, 2, 10. अच्छा A1 upon A2 ये क्या रेशियो आया?
वन अपॉन टू आ गया, ठीक है। ये भी वन अपॉन टू आएगा, बी वन अपॉन बी टू क्या, ये भी वन अपॉन टू आएगा, सी वन अपॉन सी टू क्या आएगा, फाइव अपॉन टेन, ये भी रिड्यूस होके आएगा, ठीक है। तो सारे के सारे जो रेशियो हैं ये इक्वल आ रहे हैं एक दूसरे के, सर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट है। और ये कोइंसिडेंट लाइंस है, राइट, कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक के ऊपर एक लाइंस है, तो इनका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो एक के ऊपर एक आती है। तो कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके, इनफिनिट सॉल्यूशंस होते हैं इसके। तो इसने देखो इसको ग्राफ बनाने के लिए कहा है, ग्राफ से इसको सॉल्व करने के लिए कहा है। तो ग्राफ के लिए देखिए आप चुपचाप पॉइंट्स निकाल लीजिए। ये देखिए सिंपल इक्वेशन है, अगर आप एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करते हो, पहला केस है देखिए जहाँ पे आप एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट कर रहे हो, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, फाइव आ जाएगी, आपके पास पहला कोऑर्डिनेट आ गया 0.5। दूसरा आप वाई को जीरो पुट करोगे, ये आ जाएगा एक्स प्लस जीरो इक्वल्स टू फाइव, एक्स इक्वल्स टू फाइव, दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5.0। ये देखिए कोइंसिडेंट लाइन है, यानी एक के ऊपर एक लाइन है, तो क्या इसके कोऑर्डिनेट अलग आएंगे क्या? ये कौन टीवी देख रहा है भाई पीछे पीछे, कार्टून कौन देख रहा है, कौन है भाई ये टीवी के आगे बैठा हुआ है? बताओ भाई इसके पॉइंट्स कैसे निकालेंगे आप इस वाले क्वेश्चन के, सेकंड वाले के। देखिए ये कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन जो 0.5 इधर आया है ना, ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन में हर पॉइंट दूसरी लाइन पे भी तो होता है। अगर आप इसमें पुट करके देखो क्या आता है सॉल्यूशन, एक्स की जगह 0 पुट करो और वाई की जगह 5 पुट करो, क्या आंसर आ रहा है इसमें बताओ? 10 आ रहा है, ठीक है, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है ना। तो ये जो पॉइंट्स हैं देखिए, सिमिलरली आप इसको पुट करोगे तो क्या आएगा, 5.0 अगर पुट करोगे, ठीक है, एक्स की जगह 5, वाई की जगह 0, तो क्या आएगा, 10, तब भी 10 आएगा। देखिए 2 5 2 × 0, इसको आप करोगे आ जाएगा 5 2 10 प्लस 0 10 आंसर आएगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये देखिए कोइंसिडेंट लाइन में यही होता है कि जो ये इसका जो सॉल्यूशन पॉइंट्स आएंगे वही सेम इसके भी होते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपके सामने यहाँ ड्रॉ करता हूँ ये जियोजेब्रा, ये रहा, ठीक है, x प्लस y इक्वल्स टू क्या था, 5 था, तो देखो ये लाइन बनेगी, ठीक है, ये लाइन बनेगी। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, तभी देखो यही सेम लाइन बनी है, देखो एक के ऊपर एक लाइन बन गई है ये, ठीक है, ओवरलैपिंग लाइन मतलब एक के ऊपर एक लाइन है, ठीक है, आप इसको अलग नहीं करके दिखा सकते, ठीक है। तो देखिए इसको ड्रॉ करने का सिंपल तरीका है, हमें दो कोऑर्डिनेट मिल गए थे ना, हमें दो कोऑर्डिनेट क्या क्या मिले हैं बच्चों, 0.5, 5.0, एक मिला है हमें 0.5, 0 और एक क्या मिला है 0.5, 0.5 जो है वो होगा इधर वाई एक्सिस पे, ठीक है। इससे हमें लाइन पास करानी है बस, ये आ गई देखिए लाइन हमारी, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे सॉल्यूशंस होंगे इन दोनों इक्वेशंस के, इसलिए बोलते हैं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं तो इन्फिनिट सॉल्यूशंस होंगे। ये नेक्स्ट वाली इक्वेशन देखिए फटाफट, इसका मैं रेशियो कंपेयर कर देता हूँ, a1/a2 जो है ये 1/3 आया है, b1/b2 जो है वो 1/3 आया है, c1/c2 जो है वो 8/16 आया है, 8/16 को रिड्यूस करोगे तो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हो, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, मगर इक्वल नहीं है c1/c2, तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है ये, ठीक है, तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, नो सॉल्यूशंस। अच्छा और बता देता हूँ, ये पैरेलल लाइंस हैं, बोलो क्या हुआ,
के आगे माइनस साइन है तो अगर बी वन हाँ माइनस देखो वन होगा ना। b1 -1 होगा, यहाँ पे b2 -3 होगा, ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 आ जाएगा, इसलिए ठीक है -1 आ जाएगा ये b1। आपने बिल्कुल सही कहा, b1 जो है -1 आ जाएगा, b2 जो है -3 आ जाएगा, ये माइनस माइनस साइन जो है कैंसिल हो जाएंगे इसलिए 1/3 आ जाएगा। ठीक है ठीक है, अभी भी डाउट है? ठीक है -1/-3 जो होता है ये माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये 1/3 आ जाता है पॉजिटिव। ठीक है तो अभी देखिए इन दोनों लाइंस को हमें ड्रॉ करना है। तो देखिए जो पहली इक्वेशन है, देखिए जब ऐसे लीनियर इक्वेशन दी हो, कोफिशेंट्स 1 हो, तो आप चुपचाप बस x=0 पुट करके निकाल सकते हो। तो 0 - y = 8, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी, वेरी गुड, 8 आ जाएगी, वेरी गुड। और कोई -8 आएगी क्योंकि यहाँ पे -y की वैल्यू 8 आई है, तो y की वैल्यू -8 आएगी। आप लोग, मुझे कोई भरोसा नहीं हो रहा आप लोगों पे कि आप सही करके आओगे इसको। ठीक है अच्छा, ये एक कोऑर्डिनेट मिल गया। अगर हम y को 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी? एक 8। ठीक है तो आपको दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिला, 8,0। पहला कोऑर्डिनेट मिला है देखिए 0,-8, 0,-8। दूसरा मिला है 8,0। ठीक है अच्छा, अब आते हैं देखिए इस वाली इक्वेशन पे। इस वाली इक्वेशन में देखिए कैसे करेंगे इसको बताइए। 3x - 3y = 16, कुछ ऐसा यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करिए सो दैट अगर इसमें से माइनस करें तो 3 का मल्टीपल आए। तो क्या कर सकते हैं हम, 6 - करेंगे 10 आएगा, 9 - करेंगे तो 7 आएगा, 12 - करेंगे तो 4 आएगा, 15 - करेंगे तो 3x - 3y 3 1 3 13, 0 16 by 3, 10 -10 -10 पुट करेंगे इसमें, 13 4 24 हाँ 4 3 12। सही कह रहा भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप x = 10, जो 10 30 30 - 10 पुट कर देते हो तो देखिए क्या आएगा, x = 10 पुट करेंगे देखिए क्या आएगा, ये 30 हो जाएगा, 30 - 3y = 16 राइट। ये हो जाएगा देखिए -3y = 16 - 30, 16 - 30 कितना आएगा? अच्छा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये 14 आ जाएगा राइट। इससे ऐसे भी नहीं होगा, रुक जाओ, 46। देखो भाई इसको अगर आप ऐसे करते हो x = 0 पुट करते हो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये गड़बड़ी आएगी कि जब आप ऐसे करोगे तो ये 3y = -3y = 16 आता है, यानी -3y = 16। तो जब आप ये y की वैल्यू निकालोगे -16/3 आएगी। तो ये जो एक नंबर आएगा इस, देखिए ऐसा डेसिमल नंबर आएगा जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, है ना? क्या इसका आंसर आएगा, वाई की वैल्यू क्या आएगी? -5 -5.43333 ऐसे आ जाएगी। तो इसको प्लॉट करना मुश्किल होता है, और जब प्लॉट करना मुश्किल होता है तो ग्राफिकली जो है आपका आंसर सही नहीं आता। ठीक है, ग्राफिकली जो है आपका आंसर गलत आता है, इसलिए मैं एक यहाँ पे होल नंबर चाहता हूँ कि वाई की वैल्यू एक होल नंबर आए। तो कैसे आएगी, मेरे को चाहिए वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हम ऐसी क्या पुट करें ठीक है कि वाई की वैल्यू होल नंबर आए। नाइन, क्या पुट करेंगे बताओ?
सर ये तो कंसिस्टेंट है तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है ना ग्राफ, क्या बोल रहे हो? इनकंसिस्टेंट है सर ये। इनकंसिस्टेंट तो है ही, मगर फिर भी हमें ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा इसको। सर कंसिस्टेंट के लिए करना है खाली। खाली कंसिस्टेंट के लिए करना है क्या? यस सर। अच्छा ओके ओके भाई, कंसिस्टेंट के लिए करना है तो भाई अच्छी बात है। हाँ तो भाई इसका देखो ये ग्राफ फिर भी बना के इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको, देख लो। कंसिस्टेंट के लिए ड्रॉ करना है भाई इसको। ये क्या था, एक्स आ गया, एक्स माइनस एट इक्वल्स टू एक्स, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एट, और दूसरी क्वेश्चन क्या है, थ्री एक्स माइनस थ्री वाई, थ्री एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू 16। ठीक है तो ये देखिए पैरेलल इक्वेशंस बनेंगी, दिख रही हैं सभी को? यस सर। ठीक है, पैरेलल लाइंस बनेंगी और ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कभी इसका सॉल्यूशन नहीं आने वाला, ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। अब ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट वाले सवाल में देखिए क्या है, ए वन अपॉन ए टू रेशियो क्या आएगा, देख के बताओ डायरेक्ट, ए वन अपॉन ए टू रेशियो क्या आएगा? अपॉन टू अपॉन फोर, टू वन अपॉन टू आ जाएगा। ठीक है, बी वन अपॉन बी टू क्या आएगा, वो क्या आएगा दोबारा बोलो, वन अपॉन वन अपॉन माइनस टू, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। माइनस वन अपॉन टू। देखो हमें यहीं से पता लग गया कि ये दोनों रेशियो जो हैं इक्वल नहीं है, तो हम सी वन अपॉन सी टू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है तो आपको यहीं से देखो दिख रहा है ए वन अपॉन ए टू जो है वो बी वन अपॉन बी टू के बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है क्या है? कंसिस्टेंट ये है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो माने इंटरसेक्ट करेंगी लाइंस, और इंटरसेक्ट करेंगी कितने पॉइंट्स पे, एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वही आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है तो पेपर में देखिए आपको इस कैसे करना होता है, पॉइंट्स कैसे लिखने होते हैं, तो एक ऐसा एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं, यूजुअली यही करते हैं लोग। ठीक है ये हो गया, तो हमें कोई भी लाइन बनाने के लिए हमें दो ही पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है तो अगर x की वैल्यू आप इस इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में ये देखिए ये x है ये y है, अगर x की वैल्यू 0 पुट कर देते हो ऊपर वाली इक्वेशन में, तो y की वैल्यू क्या आती है, y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी देखिए 6, ये आ जाएगा, ये y इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। अगर आप y की वैल्यू 0 रखते हो तो x की वैल्यू क्या आएगी, टू एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू 0 क्या आ जाएगी, ये जी 3। ठीक है x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है एक्स की वैल्यू आ गई 3। अच्छा तो दो पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं, दो पॉइंट्स देखिए हमें मिल चुके हैं। ठीक है पहला पॉइंट क्या है हमारा, क्या पहला कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 0.3 0.6, 0.6। दूसरा है 3.0, याद करो एक्स पहले आता है वाई बाद में आता है। ठीक है ए बी सी डी याद करिए, तो ये हो गया देखिए एक्स कॉमा वाई। अच्छा अब ये बताओ आप इस वाले में, इसमें अगर आप 0 पुट कर दोगे तो क्या आएगा, अगर एक्स की वैल्यू आप 0 पुट करो तो क्या आएगा, वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -1। टू अपॉन माइनस वन को हम माइनस टू ही लिख देते हैं। ठीक है माइनस टू। अच्छा अगर वाई की वैल्यू आप 0 पुट कर देते हो तो क्या वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो तो क्या वैल्यू आएगी, फोर एक्स
एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो आपको देखिए दोनों लाइंस के लिए आपको दो दो कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। ठीक है, पहले वाले का क्या है 0.6, दूसरे का 3.0। ठीक है, और इसका क्या है 0.-2, इसका है 1.0। ठीक है, तो देखिए 0.6 आप पहले प्लॉट करेंगे। ग्राफ पेपर मिल चुके हैं आपको कि नहीं मिले अभी आपके यहाँ पे स्टेशनरी? नहीं मिल रहे तो आप देखिए पेपर पे बना सकते हो। ठीक है, पेपर पे ऐसे एक्सेस बना के उसकी नंबरिंग करके बना सकते हो आप। पहला पॉइंट है देखिए 0.6, ये देखिए हमारा 0.6। दूसरा पॉइंट है 3.0, ये देखिए एक्स एक्सिस पे 3.0। यहाँ से हमें लाइन पास करानी है। ठीक है, अच्छा बाकी पॉइंट क्या है 0.-2। 0.-2 कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा कि एक्स एक्सिस पे आएगा? 0.-2 नीचे ऊपर की नीचे कहाँ आएगा? 0.-2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है 1.0, ये कौन सी एक्सिस पे आएगा, एक्स राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड? एक्सिस राइट 1.0 ये आ गया। ठीक है, तो आपको दो पॉइंट मिल चुके हैं लाइन बनाने के लिए, तो ये देखिए लाइन बन चुकी है। अभी देखिए इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे। ठीक है, ये देखिए पेपर में आपको ऐसे देखोगे, जब आप सही लाइंस ड्रॉ करोगे तो आपको आंसर यहीं से मिल जाएगा। तो ये देखिए क्या आंसर मिला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको क्या मिला है, क्या कोऑर्डिनेट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के? 2.2 मिला है, देखिए 2.2 मिला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा। ठीक है, तो जब आपने ग्राफ बनाया आपने नोटिस किया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, इंटरसेक्शन 2.2 यानी एक्स की वैल्यू क्या आई है, वाई की वैल्यू क्या आई है, दोनों की वैल्यू बराबर आई है। ठीक है, तो ये बाकी के जो सवाल हैं आप खुद करके देखिए। ये देखिए यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, समझाइए जरा ये सवाल क्या कह रहा है। क्या कह रहा है सवाल? सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अरे मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, तो आवाज कहाँ से आएगी? सर आपका माइक तो ऑन। मेरी आवाज आ रही है सबको? देखिए यस सर। जब बोलते हैं बेटा तब आवाज आती है। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं आपके बोलने का वेट कर रहा था। बताइए सवाल क्या कह रहा है ये? सर इसमें ये बता है कि हाफ पेरीमीटर का रेक्टेंगल का घन उसकी लेंथ है 4 मीटर मोर देन वाइड, लेंथ? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। और उसकी वाइड 36 मीटर है, तो हमको है ना डायमीटर गार्डन का फाइंड करना है। डायमीटर, डायमेंशंस फाइंड करने हैं, डायमीटर नहीं होता बेटा इसका, डायमेंशंस फाइंड करने हैं गार्डन का। अच्छा तो इसको देखिए लेंथ मान लेते हैं, लेंथ को लेंथ मान लेते हैं। ठीक है, लेंथ जो है हमारी वो एल मान लेते हैं, इसको विड्थ को मान लेते हैं डब्लू। ठीक है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए ये जो एक स्टेटमेंट लिखी है, इससे आपको क्या पता लगता है, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? 4 W = 8। लेंथ जो है क्या है, विड्थ की क्या है, क्या पता लग रहा है आपको? 4 मीटर ज्यादा है राइट से। यानी देखिए जो विड्थ जो है उसमें अगर आप 4 ऐड कर दोगे तो वो लेंथ के बराबर आ जाएगी। सही लिखा है या फिर ये लिखा है कि विड्थ जो है अगर आप लेंथ में 4 ऐड कर दो
तो ये आएगी, कौन सी सही है? फर्स्ट पहली से फर्स्ट सही है, यस ठीक है ठीक है। ये यही कह रहा है, विड्थ देखो दिमाग में लेके चलो, विड्थ जो होती है छोटी होती है ना, लेंथ हम लंबी वाली को यूजुअली कहते हैं। तो विड्थ जो है उसमें अगर आप 4 ऐड कर देते हो तो लेंथ आ जाता है। तो देखिए W+4=length, ठीक है, आपके पास ये एक लीनियर इक्वेशन आ गई। अच्छा पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का? 2 × L+D। टू मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी, राइट, ये होता है। अब यहां पे देखिए हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन की बात हो रही है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या दिया हुआ है हाफ हमें? 36 36 सेंटीमीटर। तो देखो पहले बात तो पेरीमीटर को हाफ करो, क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमने 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये जो पेरीमीटर अपॉन 2 जो है ये आ गया एल प्लस बी। तो ये पेरीमीटर का हाफ है, इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है पेरीमीटर के हाफ की? 36, मीटर ठीक है, 36 मीटर। तो एल प्लस बी की वैल्यू ये आ गई है। देखिए यहाँ से हमें मिला है एल माइनस डब्ल्यू, मैंने बी ले लिया सॉरी, इसको डब्ल्यू लिया हुआ है हमने यहाँ पे, ठीक है, वेरिएबल हमने लिया हुआ है डब्लू, ठीक है, तो डब्ल्यू यूज़ करेंगे हम, एल प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो एल माइनस डब्ल्यू जो है वो 4 के इक्वल आया है यहाँ पे, एल प्लस डब्ल्यू जो है वो 36 के इक्वल आया है, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट कर देंगे, देखिए एल की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू प्लस 4 है यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे एल की वैल्यू आप डब्ल्यू प्लस 4 पुट करके निकाल सकते हो वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या आंसर आएगा, ये डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू 2W हो जाएगा, ये प्लस 4 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए 36 माइनस 4 कर देंगे, 36 माइनस 4 क्या आएगा, 32। तो W की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 16 26, वेरी गुड, और 16 16 आएगी,16 ठीक है, W की वैल्यू 16 आ गई। आपको बताया गया है अगर W में आप 4 और ऐड कर देते हो तो वो लेंथ के बराबर आ जाता है, तो 16 में अगर आप 4 और ऐड कर दोगे तो लेंथ के बराबर आ जाएगा। तो लेंथ कितनी आई हमारी, 20 मीटर। 20 मीटर, ठीक है। यूनिट लिखना देखिए भूल गए हम, नंबर कट जाएंगे हमारे। तो लेंथ आई है आपकी 20 मीटर, विड्थ आई है आपकी 16 मीटर, ठीक है। देखिए इस सवाल को हम एक तरीके से और कर सकते थे, ठीक है, ये जो मेथड था हमने किया था ये सब्स्टिट्यूट किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर दी थी मैंने एल की वैल्यू, देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते थे। देखिए ये जो दो इक्वेशंस थी हमारी, हमारे पास ये आ गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गई हमारी, आ जाओ भाई, हाँ ठीक है, ये दो आ गई। तो देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ये जो दो इक्वेशंस हैं इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो देखिए एल प्लस एल क्या हो जाएगा, ये 2L हो जाएगा, ठीक है। माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। 4 + 36 ऐड हो जाएंगे तो क्या आएगा, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा 2L = 40, ठीक है। तो L की वैल्यू आपकी क्या मिल जाएगी यहाँ पे, 20, ठीक है। आपको पता है लेंथ में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं, ठीक है, लेंथ में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो विड्थ आ जाती है, तो 20 में से अगर आप 4 माइनस करेंगे तो विड्थ आ जाएगी। विड्थ क्या आएगी, 16 = विड्थ, 16। 16 आएगा, 15 नहीं 16, ठीक है। तो ये होता है, देखिए इक्वेशन से हमने देखिए कर दिया, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। तो ऐसे देखिए बहुत सारे तरीके हैं करने के इसको। अच्छा ये जो अगला सवाल है ये क्या कह रहा है, जल्दी से बताओ भाई, सवाल ही सवाल है इसमें तो, भाई सब कौन आया इतने, बताइए भाई क्या इस सवाल में क्या बात हो रही है। अदिति शिंगेट, आवाज आ रही है आपको अदिति शिंगेट? अदिति शिंगेट बेटा बताओ जरा ये सवाल क्या कहना चाहता है, क्या पूछ रहा है हमसे। लीनियर इक्वेशन दी हुई है और हमें लीनियर इक्वेशन बतानी है दो वेरिएबल में,
तो उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो फॉर्म होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, पैरेलल लाइंस होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी। अच्छा ठीक है ओके। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें एक ऐसी लाइन बतानी है कि उसके साथ ही इंटरसेक्टिंग लाइंस बने और एक के साथ पैरेलल लाइंस बने और एक के साथ कोइंसिडेंट लाइंस बने, समझ में आया? तो हमें वो फाइंड करना है ठीक है। तो इक्वेशन हमें दी हुई है, पहली इक्वेशन हमें दी हुई है 2x + 3y -8 = 0, ये दी हुई है ठीक है। ए वन देखिए, ए वन हमें दिया हुआ है, बी वन हमें दिया हुआ है, सी वन हमें दिया हुआ है ठीक है। हमें सी टू, ए टू, बी टू, सी टू हमारे अकॉर्डिंगली निकालना है उसे चुपचाप ठीक है। तो ए वन की वैल्यू हमें कितनी मिली हुई है यहाँ से? 2। बी वन की वैल्यू क्या मिली हुई है? 3। और सी वन की वैल्यू क्या मिल गई है हमें यहाँ पे? माइनस। तो पहला देखिए केस है इंटरसेक्टिंग लाइंस का, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में कोफिशिएंट की क्या रिलेशन होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस में कोफिशिएंट्स की क्या रिलेशन होती है? a1 upon a2 किसके बराबर नहीं होता? b1 upon b2 के बराबर नहीं होता। तो ये देखिए ये रिलेशन होती है a1 a2 और b1 b2 की। तो a1 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 2। b1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू हमें नहीं पता, रुक जाओ भाई, इसको 2 upon a1 is not equals to 3 upon b2 ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो ठीक है, सॉरी ए टू आएगा, मैंने ए वन लिखा हुआ है। तो ए टू बी टू की आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो, तब तक ले सकते हो जब तक ये दोनों रेशियो बराबर ना हो ठीक है। तो ए टू की वैल्यू आपके ऊपर है, आपके मन में जो भी आ रही है वैल्यू वो रख सकते हो। तो क्या मन में आ रही है भाई, ए टू की वैल्यू क्या रखें? अदिति, अदिति क्या रखनी चाहिए हमें ए टू की वैल्यू, आप बताइए अपने मन से बताइए। ए टू की वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे ठीक है, इफ ए टू इक्वल्स टू 1। अच्छा बी टू की वैल्यू क्या रखेंगे? 9। अदिति बताएगी, अदिति शिंगेट से बात हो रही है अभी ठीक है। बी टू क्या होगा, क्या रखना चाहिए? 6 रख लेते हैं ठीक है। इसको भी अगर 1 रख लेते तो कोई बुराई नहीं होती ठीक है, इसको भी अगर आप 1 रख लेते तो चलो, आपने 6 कहा तो 6, तो ये हो जाएगा देखिए 2 upon 1 is not equals to 3 upon 6। 3 upon 6 क्या होता है? 1 upon 2 ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है भाई 2 upon 1 जो है वो 1 upon 2 के बराबर नहीं होता ठीक है। तो हमें यहाँ से ए टू और बी टू की वैल्यू मिल गई। आपको पता है जनरल इक्वेशन क्या होती है लीनियर इक्वेशन की? ये होती है ना, पता है ना आपको जनरल इक्वेशन। ए टू की वैल्यू अदिति ने बोला है कि भाई 1 होगी, बी टू की वैल्यू बोला है उसने 6 ले लेते हैं, और सी टू की वैल्यू देखिए आपके जो मन में आती है वो रख लीजिए ठीक है, 1,00,000 रख लेते हैं हम यहाँ पे ठीक है। ये आ गई हमारी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप क्या रखना चाहते हो, ये आ गई रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन ठीक है। दूसरा देखिए केस क्या है, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है भाई पैरेलल लाइंस का। तो पैरेलल लाइंस में क्या रिलेशन होती है? ठीक है, a1 upon a2 जो होता है वो b1 upon b2 के इक्वल होता है, मगर c1 upon c2 के इक्वल नहीं होता। a1 हमें दिया हुआ है 2, a2 हमें नहीं पता, b1 हमें दिया हुआ है 3, b2 हमें नहीं पता, c1 c2 को भी बाद में देख लेंगे ठीक है, इसको भी बाद में देख लेंगे। तो बच्चों आपको क्या लगता है a2 की मैं वैल्यू क्या रखूं और b2 की वैल्यू क्या रखूं कि ये दोनों रेशियो बराबर हो जाएं, ये दोनों रेशियोस बराबर हो जाएं? अच्छा ये आपने एक कहा a2 = 6 and b2 = 9 ठीक है। ऐसा अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा देखिए 2 upon 6 3 upon 9। लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप इवेल्युएट करेंगे तो क्या आएगा?
ये वन अपॉन थ्री आएगा, इसको भी करेंगे, ये भी वन अपॉन थ्री आएगा, वेरी गुड। ठीक है, देखिए वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने, ये अगर रख देते हैं तो ये वैल्यू आती है। आप चाहते तो ए टू को जो है टू पुट कर सकते थे और बी टू को थ्री पुट कर सकते थे, देखिए तब भी ये आता। अगर आप ए टू को टू पुट कर देते, बी टू को थ्री पुट कर देते, तब क्या आंसर आता? वन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, यहाँ पे टू से टू कैंसिल, यहाँ पे राइट हैंड साइड थ्री से थ्री कैंसिल, वन आता। तो ये भी आप कर सकते हो। तो देखिए आपके पास बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं करने के लिए, ठीक है, कोई एक ही नहीं है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। टू की टेबल में देखिए, कोई भी वैल्यू यहाँ पे टू की टेबल में रख दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे थ्री की टेबल में उसी टाइम्स पे रख दीजिए, तभी सेम आंसर आएगा। तो देखिए ये इसका पहला आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। जनरल इक्वेशन देखिए, लिखना मत भूलिएगा, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी वन सॉरी सी टू इक्वल टू जीरो। अब देखिए सी वन सी टू ऐसे रखना है कि ये इन दोनों के रेशियो के इक्वल ना आए। तो मैं अभी जो आपने बताया है ए टू सिक्स और बी टू नाइन, ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो ए वन अपॉन ए टू, ए वन अपॉन ए टू जो है इससे आता है वन अपॉन थ्री, बी वन अपॉन बी टू जो आता है इससे आता है वन अपॉन थ्री। अब सी वन अपॉन सी टू हमें कुछ ऐसा रखना है कि वो वन अपॉन थ्री ना आए, तो क्या रखना चाहेंगे आप? सी वन देखिए, सी वन, सी वन एट दिया हुआ है हमें ऑलरेडी, सी टू की वैल्यू क्या रखोगे? सी टू की वैल्यू फोर रख लो, ठीक है, वेरी गुड। सी टू की वैल्यू अगर आप फोर रख लेते हो तो इसका रेशियो आएगा टू अपॉन वन, ठीक है, ये अलग होता है। तो यहाँ से देखिए सी टू की वैल्यू हम फोर रख लेंगे, इससे क्या होगा, रेशियो टू अपॉन वन आ जाएगा, और जो टू अपॉन वन है वो वन अपॉन थ्री के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो सी टू की वैल्यू फोर रख लेंगे, तो ए टू की वैल्यू सिक्स, बी टू की वैल्यू नाइन, सी टू की वैल्यू क्या रखी हमने, फोर, ठीक है। तो ये आ गई आपकी लीनियर इक्वेशन, ठीक है, जो कि पैरेलल है इसके। तीसरे वाला देखिए क्या है, कोइंसिडेंट है। तो कोइंसिडेंट में देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, सेम ऐसे ही प्रोसीजर होगा कोइंसिडेंट में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना बच्चों, डिलीट करने वाला हूँ मैं इसको। ठीक है, अब कोइंसिडेंट में देखिए क्या अंतर होता है, आ जा भाई आ जा, डिलीट डिलीट। अब कोइंसिडेंट लाइन में बेटा क्या रिलेशन होती है? ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू। तो पहली वाली जो इक्वेशंस थी हम वही ले लेते हैं, ए टू की वैल्यू ले लेते हैं सिक्स और बी टू की वैल्यू क्या ली थी, नाइन, ठीक है। तो ए वन अपॉन ए टू से आ गया था वन अपॉन थ्री, ठीक है, क्या आया था टू अपॉन सिक्स आया था, तो वन अपॉन थ्री हो जाएगा, टू अपॉन सिक्स इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री। बी वन अपॉन बी टू क्या आ गया था, थ्री अपॉन नाइन, जिससे ये आ गया था वन अपॉन थ्री, ठीक है। सी वन अपॉन सी टू, सी वन हमें दिया हुआ है एट, तो सी टू की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस एट, सॉरी माइनस एट दिया हुआ है, तो सी टू की वैल्यू क्या रखेंगे हम, माइनस ट्वेंटी फोर अगर रखते हैं सी टू की वैल्यू, सी टू की वैल्यू अगर हम माइनस ट्वेंटी फोर रखते हैं तो इसका आंसर आएगा माइनस वन अपॉन माइनस थ्री, और ये हो जाता है माइनस माइनस कैंसिल, लिया जाएगा वन अपॉन थ्री, ठीक है। तो ये देखिए क्या होगा, तीनों के तीनों जो ये रेशियोज हैं ये बराबर हो जाएंगे, ये भी वन अपॉन थ्री, ये भी वन अपॉन थ्री, ये भी वन अपॉन थ्री, तो सी टू की वैल्यू हमें माइनस ट्वेंटी थ्री रखनी है। तो ये आ जाएगा देखिए सिक्स एक्स प्लस नाइन वाई माइनस ट्वेंटी फोर इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। तो ये सवाल ऐसे होगा। अगला सवाल देखिए, सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन। गौरी गौरी आपको आवाज़ आ रही है? गौरी 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 नहीं आई है। श्रेया जाधव, श्रेया बेटा बताओ ये क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है ये? सर मैं दो इक्वेशन दिए, उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, और फिर जो
इसके जो क्वाड्रेंट्स आए उसके वर्टिसेस, ट्रायंगल के वर्टिसेस फॉर्म हुए उस लाइन पे इन लाइन से और एक्सिस से और उस ट्रायंगल को हमें शेड करना है। शेड द ट्रायंगल, ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, तो पहले हम इनकी जो इक्वेशंस हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इनको इनकी लाइन्स हमें ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो फटाफट करते हैं। x इक्वल टू जीरो रखोगे इसमें सबसे पहला काम, तो ये क्या आएगा, जीरो माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस y की वैल्यू आई है माइनस वन, तो y की वैल्यू क्या आएगी, वन। ठीक है, तो पहला पॉइंट आ गया हमारा जीरो कॉमा वन। ठीक है, जीरो कॉमा वन आ गया। अच्छा, अब y की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन आ जाएगी। तो ये आएगा माइनस वन कॉमा जीरो। ठीक है, तो हमें देखिए दो पॉइंट्स मिल गए ये लाइन बनाने के लिए, जीरो कॉमा वन, माइनस वन कॉमा जीरो। तो जीरो कॉमा वन कौन सी एक्सिस पे आने वाला है, जीरो कॉमा वन वाई एक्सिस पे आएगा, पॉजिटिव ऊपर वाले की नीचे वाले में। ठीक है, ये देखिए जीरो कॉमा वन है। अच्छा, सेकंड पॉइंट है माइनस वन कॉमा जीरो, ये कहाँ पे आएगा, कौन सी एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, ठीक है, नेगेटिव नंबर आ रहा है माइनस वन कॉमा जीरो तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा। तो ये देखिए लाइन बन गई हमारी। ठीक है, ये लाइन बन गई, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन ऑलरेडी लिखी आ चुकी है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन। अभी अगला है, देखिए इसमें भी सेम प्रोसीजर करिए फटाफट, एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो ये देखिए थ्री मल्टीप्लाई बाय जीरो प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो। ये क्या आएगी, वाई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, सिक्स। ठीक है, तो ये आया पहला पॉइंट हमारा जीरो कॉमा सिक्स। अच्छा, अब एक बार y इक्वल्स टू जीरो पुट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट है, ये देखिए इन दोनों कोफिशिएंट्स का मल्टीपल है, इसलिए हम आराम से इसमें जीरो पुट कर सकते हैं। अगर इसका मल्टीपल नहीं होता तो हमें सोच समझ के करना पड़ता। ठीक है, तो y को जीरो पुट कर लेंगे, थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो हो जाता है, थ्री एक्स इक्वल टू ट्वेल्व, y x की वैल्यू क्या आती, x की वैल्यू आती फोर। तो ये आ गया फोर कॉमा जीरो। तो यहाँ पे भी देखिए हमें दो पॉइंट्स मिल गए, जीरो कॉमा सिक्स, फोर कॉमा जीरो। तो जीरो कॉमा सिक्स कौन सी एक्सिस पे आएगा, ऊपर वाली की नीचे वाली में आएगा, पॉजिटिव साइड में आएगा। ठीक है, ये देखिए जीरो कॉमा सिक्स ऊपर है। ये दूसरा पॉइंट है, देखिए फोर कॉमा जीरो, ये कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे क्या है, फोर कॉमा जीरो। ये आ गया फोर कॉमा जीरो। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा देंगे तो एक लाइन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। उसके बाद देखिए एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है हमारी ये। ठीक है, ये देखिए हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। तो ये देखिए तीनों पॉइंट्स जो हैं मिलकर एक ट्राइंगल बना रहे हैं, देख रहे हो आप, नोटिस कर रहे हो, ये तीनों ट्राइंगल्स जो हैं ये मिलके एक, सॉरी जो तीनों लाइंस हैं ये मिलके एक ट्रायंगल बनाएंगे। दिख रहा है आपको ट्रायंगल ईबीडी, दिखाई दे रहा है, यस सर। तो ये ट्रायंगल था और आपको ये बना के शेड करना है अपनी कॉपी में। ठीक है, ऐसा एक ट्रायंगल बनेगा जब आप ड्रॉ कर लोगे, उसको शेड करना है। ठीक है, कोई डाउट किसी को, नो सर नहीं है, तो भाई यही सब था सवाल इन सब में। ठीक है, आप इसको ग्राफ पेपर पे या फिर नॉर्मल पेपर पे बनाइए, अगर ग्राफ पेपर मिलता है कभी शॉप खुल जाती है तो जाके खरीदे आना भाई, पूरा का पूरा एक मोटी सी किताब ले आना ग्राफ पेपर वाली। ठीक है, इसका आंसर देखिए कुछ ऐसा आएगा। ये इसने और कुछ तो नहीं कहा था करने के लिए, कोऑर्डिनेट्स डिटरमिन करने के लिए कहा था। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स डिटरमिन करने के लिए कहा था। तो देखिए जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो देखिए पहला कोऑर्डिनेट क्या है ट्रायंगल का, इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जूम कर रहा हूँ मैं इसको। पहला कोऑर्डिनेट आपको क्या दिखाई दे रहा है,
ये वाला कोऑर्डिनेट क्या दिखाई दे रहा है, पॉइंट ई। ध्यान से देखो ग्राफ को, जूम करके देखो, जूम हो जाएगी स्क्रीन आपकी। अभी क्या दिखाई दे रहा है आपको? 2.3 पहला जो पॉइंट है वो आया है 2.3, ठीक है। ये है पहला, ये पॉइंट आया है 2.3। अच्छा, ये पॉइंट डी जो आया है ये क्या है? पॉइंट डी क्या आया है? 4.0। अच्छा, पॉइंट बी क्या आया है? 0.-1। अच्छा, और कोई? -1.0 -1.0 आया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ये तीन कोऑर्डिनेट आए हैं इस ट्रायंगल के, बस। तो ये था भाई आखिरी सवाल, आपकी क्लास होती है ख़त्म। 10th B वाले, 10th B वाले मेरे को अपना नाम बताइए, कौन कौन आए हैं आज 10th B वाले बच्चे? गाइड एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ।